पेपर लीक का मामला हो और इसका कनेक्शन झारखंड से ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? झारखंड में होने वाले सरकारी नौकरियों की परीक्षा में तो धांधली का मामला सामने आता रहता है, लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम में भी झारखंड की अहम भूमिका सामने आ रही है। पिछले कई दिनों से नीट यूजी के पेपर लीक का मामला सुर्खियों में है। आए दिन इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच अब ये खबर सामने आ रही है कि नेशनल लेवल पर होने वाली नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक का कनेक्शन झारखंड से है। शक है कि नीट का पेपर सबसे पहले हजारीबाग के ओएसएस स्कूल, जिसे परीक्षा केंद्र बनाया गया था, यहां से पेपर लीक हुआ है। जिले में क्वेश्चन पेपर की ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी लापरवाही बरती गई है, जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि नीट यूजी के क्वेश्चन पेपर के बक्से को टोटो से ढोकर हजारीबाग के कुरियर ऑफिस से SBI बैंक तक भेजा गया था। जब बिहार की आर्थिक अपराध इकाई टीम के समक्ष ये खुलासा हुआ, तो टीम ने कुरियर वालों को फटकार लगाई। EOU की पूछताछ में हजारीबाग में ब्लू डार्ट कुरियर के कर्मचारियों ने बताया कि 3 मई को रांची से हजारीबाग प्रश्न पत्र के बक्से कुरियर नेटवर्क की किसी गाड़ी से आए थे। नेटवर्क वाहन में कुरियर सर्विस के अन्य सामान भी थे। उसी गाड़ी में प्रश्न पत्र का बक्सा हजारीबाग आया था। प्रश्न पत्र का बक्सा लाने वाले नेटवर्क कंपनी की गाड़ी को सिर्फ एक चालक लेकर हजारीबाग पहुंचा था। वाहन की सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा गया। वहीं हजारीबाग के ओएसएस स्कूल, जिसे नीट यूजी परीक्षा के लिए सेंटर बनाया गया था, यहां से प्रश्न पत्र लीक होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि स्कूल के प्रिंसिपल सह NTA के CT कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एहसान उल हक ने इसका ठिकरा कुरियर कंपनी पर फोड़ दिया है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कहा कि नीट यूजी का क्वेश्चन पेपर ओएसएस स्कूल से लीक नहीं हुआ है। कहा कि 4 मई की रात पटना के खेमनीचक स्थित लर्न एंड प्ले स्कूल में 35 से 40 छात्रों को रखकर प्रश्न पत्र का उत्तर रटाया जा रहा था। पुलिस छापेमारी में कई छात्रों की गिरफ्तारी हुई है, साथ ही कई कागजों के साथ जले हुए प्रश्न पत्र के टुकड़े भी मिले थे। ओएसएस स्कूल के कोड का अधजला प्रश्न पत्र भी मिला है, जो जांच का विषय है। हजारीबाग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पेपर 5 मई को परीक्षा केंद्र ओएसएस स्कूल में आया था, लेकिन यह 4 मई को ही आरोपियों तक पहुंच गया था, जिन्होंने इसे लीक किया। इसलिए पेपर लीक वहां से हुआ है जहां 3 और 4 मई का कोई पेपर हुए थे। इसकी जांच होनी चाहिए। हजारीबाग के 5 केंद्रों पर 5 मई को NTA के मापदंडों के अनुरूप नीट यूजी की परीक्षा संपन्न कराई गई थी। हजारीबाग में नीट पेपर का कस्टोडियन SBI बैंक था। इस दौरान स्कूल के प्रिंसिपल ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र जिस ट्रंक में रखा था, उसमें 2 ताले थे। एक नॉर्मल ताला था, जिसके हैंडल को बगल में रखी आड़ी से काटना था। दूसरा जो ताला था, वह डिजिटल लॉक था, जिसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्शन के तहत परीक्षा के दिन 1:15 पर दोपहर में खोलना था। हालांकि पूरे भारत में 1:15 में कहीं भी डिजिटल ताला नहीं खुला। एहसान उल हक ने कहा कि इसके बाद हर जगह से NTA का कॉल आया और NTA ने कहा कि जिस तरह नॉर्मल ताला आड़ी से काटा गया है, उसी तरह इस डिजिटल लॉक को भी काट दीजिए। NTA की अनुमति के बाद डिजिटल लॉक को काटा गया। प्रिंसिपल ने कहा कि क्लासरूम में जब प्रश्न पत्र के पैकेट को काटा गया, उसके पिछले हिस्से में टैम्परिंग की शंका EOU की टीम ने जाहिर की थी। यह कोई पेशेवर लोग ही कर सकते हैं, आम लोगों को पता नहीं चल पाएगा। अब डिजिटल लॉक फेल होना भले ही तकनीकी मामला हो, लेकिन इस घटना ने कुछ सवाल भी खड़े कर दिए हैं। सवाल उठता है कि क्या सेंटर पहुंचने के पहले ही इस डिजिटल लॉक के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिससे पूरा सिस्टम ही क्रैश कर गया। इस मामले में बिहार की EOU टीम ट्रांसपोर्टर की भूमिका पर संदेह कर रही है, जिसकी जांच जारी है। पूरे मामले पर गौर करें तो कई चूक और गड़बड़ियां एक एक करके सामने आती दिख रही हैं। जैसे कि परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए NTA ने तो व्यवस्था की थी, लेकिन इसकी अहम कड़ी में शामिल बुकलेट पहुंचाने वाले ट्रांसपोर्टर कंपनी ब्लू डार्ट को निगरानी के दायरे से बाहर रखा गया। परीक्षा के 2 दिन पहले हजारीबाग के सभी 5 केंद्रों में NTA की टीम ने CCTV कैमरे और DBR लगाए थे। क्वेश्चन पेपर के ट्रंक जहां रखे जाने वाले थे, वहां भी कैमरे लगे थे, लेकिन इसकी चिंता नहीं की गई कि सेंटर तक पहुंचने से पहले रास्ते से ही इसे गायब किया जा
सकता है या उसकी कॉपी की जा सकती है। आपको बता दें कि नीट यूजी पेपर लीक स्कैम की जांच कई राज्यों में चल रही है। इसमें अब तक कई अहम खुलासे हो चुके हैं, कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। इसी बीच नीट स्कैम की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। जांच एजेंसियों की तफ्तीश के बीच लोगों के मन में कई सवाल उमड़ रहे हैं, जैसे पेपर लीक कहां से लीक हुआ, कैसे हुआ, इसमें कौन कौन शामिल है इत्यादि। ऐसे में अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पहले भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के दौरान कोई धांधली हुई है या फिर यह पहली बार है। वैसे आपका इस पर क्या विचार है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।